होडल हरियाणा के पवित्र गुरुकुल से होते हुए अब मैं आ पहुंचा हूं मथुरा की पावन धरती पर। और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में ये है मलपुरा। माना जाता है कि यहाँ पे कंस के पहलवान जाते थे। दोस्तों, मथुरा की धरती पर मंदिरों से आती हुई भजनों की आवाज़ आपको किसी दूसरे ही लोक में पहुँचा देती है, और यही कमाल है यहाँ की धरती का, मथुरा के पावन पवित्र स्थल का। ये कहलाता है पौत्रकुंड। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तो यहाँ पर उनके छोटे कपड़ों को धोया जाता था, जिसे ये पौत्रकुंड कहलाया। और मुख्य द्वार से हम पहुँच जाते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर। और यहाँ पर आकर एक बात पता लगती है जो कि मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा अपसेट करने वाली है। वो क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर ही। यहाँ पे अलाउ नहीं है और हम बिना कैमरे के अभी मंदिर में एंटर करने वाले हैं। महाभारत की कथा के अनुसार कुवलया पीड़ नामक हाथी का जो वध श्री कृष्ण ने किया था वो कंस के द्वारा एक आमंत्रण दिया गया था, तब यह वध किया गया था। और जनाब, उसके बाद मैं आ जाता हूँ मथुरा के मशहूर ब्रजवासी के फेमस पेड़े वालों की दुकान पर। और यहाँ पर देखते ही भीड़ को मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि कितने ज़्यादा यहाँ के फेमस डेजर्ट हैं, और मैं इनको देखकर इतना ज़्यादा ललाइट हो रहा था, मेरी जीभ में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं काउंटर पर जाता हूँ और अपनी बारी का इंतज़ार करता हूँ। और इसके बाद हम अभी तो आप देख रहे हैं मीठी मीठी मिठाइयाँ, रस भरी मिठाइयाँ शीशे में। अब मैं काउंटर पे आ गया हूँ और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं काउंटर से मिली स्लिप को आगे लेके जाऊँगा और वहाँ से मैं अपनी रबड़ी को लगवाने वाला हूँ। और उसके बाद मैं रबड़ी और पेड़े का एक साथ आपको टेस्ट करके बताऊँगा कि वो कैसा लग रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और मैं पल पल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा इसका टेस्ट होगा, क्योंकि मथुरा के पेड़े तो हमारे पूरे भारत में और वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है, और स्पेशल ब्रजवासी के हों तो मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए गाइस, अब मेरी यहाँ पर आ गई है रबड़ी जिसे मैं टेस्ट करने वाला हूँ। ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से चमचे से आ रही हैं। और ये मैंने किया है यहाँ पे पेड़े का टेस्ट। ओ माय गॉड, इलायची का टेस्ट इतना ज़बरदस्त आ रहा है पेड़े के अंदर, एकदम स्वीट, एकदम शानदार और डिलीशियस। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि आप जब खाओगे आपको खुद ही मज़ा आने वाला है। और अब बारी है रबड़ी की। जी हाँ, सबकी, मेरी और सबकी प्यारी रबड़ी, सबकी राज दुलारी रबड़ी। ओ माय गॉड, और ये मेरी पहली बाइट। हाँ, अंदर तक आत्मा तृप्त हो जाती है गाइस। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताना है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।